का अवनी के लिए प्यार भी कुछ ऐसा है। नील अवनी से मोहब्बत तो करता है, लेकिन आज इंस्पेक्टर साहब और जासूस बीवी के बीच कुछ नोक झोक चल रही है। कैसे आराम कर लूं यार अवनी, कैसे आराम कर लूं? तुमने इतनी मुश्किल से वो ऑडियो डिवाइस वहां पे प्लांट किया, अभी तक उससे भी कोई क्लू नहीं मिल पाया, मैं कैसे आराम कर सकता? और नील की जिंदगी में आजकल काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ नील की एक्स गर्लफ्रेंड जूही है और दूसरी तरफ अवनी का दोस्त अली। लेकिन आज नील ने अवनी को ये समझाने की कोशिश की है कि उसकी जिंदगी में अवनी के अलावा और कोई नहीं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जूही भले ही मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट आईव गॉटन ओवर हर नाउ, बट उसको बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जिंदगी है, वो अवनी अभी है, अभी भी। सीन में तो अवनी आज चाय और फ्रेंच फ्राइज पका रही है, लेकिन इसके साथ दिल और दिमाग में भी काफी कुछ पक रहा है। क्यों अवनी, सही कहा ना? दिमाग में बहुत कुछ पक रहा है, किचन में भी बहुत कुछ पक रहा है। हम दोनों एक कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को ना पकाएं, फिर भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बोलते हैं आप फाइनली आपस में। और नील ने भी ये बात मान ही ली है कि पुलिस वाले की बीवी और जासूस दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन हो गई है अवनी। तो क्योंकि इनके अंदर भी एक डिटेक्टिव अंदर घुसा पड़े, और जब ये कॉप की बीवी बन गई तो कॉप प्लस डिटेक्टिव एक डेडली कॉम्बो हो गया। सो इसीलिए जो भी चीज होती है खुद सॉल्व करना चाहती है। ये तो पर्दे के पीछे की बात है, देखते हैं जब इंस्पेक्टर साहब को अपनी बीवी के जासूस होने की बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। मुंबई से निशे मिश्रा के साथ स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।